यू नो विद्या, पिक्सी मुझे ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैं उनके जैसे दुबली पतली ना हो जाऊं तो राज मुझे मंजू के लिए छोड़ देगा, जैसे कि मंजू बड़ी दुबली पतली है। आई मीन, इट्स सच लो डाउन मेंटालिटी। एंड व्हाट दे फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट राज प्रेफर्स फुल फिगर वुमेन। बोलती जाओ, बोलती जाओ, जो कुछ पिक्सी ने कहा है बताओ। अरे, दे कांट इवन हैंडल द फैक्ट कि मैं तान्या को अपनी होने वाली बहू कहती हूँ। अरे, पिक्सी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि तान्या मेरी नहीं मंजू की होने वाली बहू है। जब मैं विकी को अपना बेटा मान चुकी हूँ तो ये कहने में क्या बुराई है? बुराई तुम में नहीं रेवा, बुराई हमारी किटी मेंबर्स में। और मैं तो तुम्हें पहले से ही वार्न कर रही हूँ कि कल की किटी में बहुत बखेड़ा होने वाला है। यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं है, स्पेशली ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं राज की बीवी हूँ। मंजू राज की बीवी थी, मैं राज की बीवी हूँ, और ये सब एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मंजू उन्हें भड़काती रहती है, ये सब किया धरा मंजू का है, और जब तक तुम हाथ पर हाथ धर के बैठी रहोगी वो तुम्हें इसी तरह दुख देती रहेंगी मंजू को खुश करने के लिए। तो मैं क्या करूं विद्या? इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ सुनाए, तुम उन्हें सुना दो और अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करो एज इफ यू आर द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। पर विद्या, अरे लिसन टू मी, ये सारी औरतें मंजू के भड़कावे पे तुम्हें साइकोलॉजिकली दबाना चाहती हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी कभी ना संभाल पाओ। तुम सही कह रही हो बेटे। कल की किटी पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। तुम्हें ये दिखाना है कि चाहे वो कुछ भी कहें, यू डोंट गिव अ डैम। एक जरूरी बात तुम्हें तुझे बताना ही भूल गई। क्या? पिक्सी का फोन आया था। ओह, बहुत ही जरूरी बात है, पिक्सी का फोन आया था। ये जरूरी नहीं है कि पिक्सी का फोन आया था, उसने फोन पे क्या कहा ये जरूरी है। क्या कहा? उसने कहा कि रेवा तानिया को किटी का मेंबर बनाना चाहती है। तानिया को? ये तो अच्छी बात है ना। मंजू, कितनी भोली है तू। लोगों का क्या मकसद होता है किसी बात के पीछे, ये भी समझने की कोशिश किया कर। अच्छा भाई, क्या मकसद है? कैन यू एनलाइटन मी? रेवा चाहती है कि उसे सपोर्ट करने वाला भी कोई हो। और कौन सपोर्ट करने वाला चाहिए उसको? सब कुछ तो है उसके पास। सिर्फ मनोविराज का ही सपोर्ट है ना, उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाला तो कोई नहीं है। तुम ही सोचो। देखो मंजू, मनोविराज चाहे कितना भी अपने उसूलों की बात करता रहे, लेकिन सोसाइटी उन दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब तक तुम हो, रेवा तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरी जगह? मेरा घर, मेरा संसार, सब कुछ तो है उसके पास। कौन सी जगह की बात कर रही हो तुम? मंजू, रेवा को जो भी मिला है वो सिर्फ नाम का है, और ये बात वो भी जानती है, इसी बात की तो इनसिक्योरिटी है उसे। और तानिया को किटी मेंबर बना के उसकी इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी क्या? चाहे ना हो, लेकिन कुछ सहारा तो मिलेगा उसे। अभी तक तो किटी में जितनी भी मेंबर्स हैं, मनोविराज और रेवा की शादी के खिलाफ है। सब नहीं, तुम ही जानती हो, समा विद हर। तुम विद्या की बात कर रही हो ना, और विद्या तो अकेली ही है ना। अब तान्या आ जाएगी तब तो हो जाएंगे, तुम समझ रही हो ना। ओह गॉड नीलू, मैं तो सोच रही थी कल किटी में जाकर सब उलझने भूल कर रिलैक्स हो जाएंगे। तुम तो डरा रही हो मुझे। डरा नहीं रही, सिर्फ वार्न कर रही हूँ। कल की किटी में हंगामा जरूर होगा।